साथियों, 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है, और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाए, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी। और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब दो सवा दो महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है।